हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के जो मैं बात करने वाले हैं तो कनाडा में इस टाइम पे काफी ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है कुछ डिपार्टमेंट के अंदर या हम कह सकते हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर जहां पे जॉब्स हैं बट लोग नहीं है उसको फुलफिल करने वाले सो अराउंड वन मिलियन जॉब की वैकेंसीज निकली हुई है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर सो इन पोजीशन को फिल करने के लिए हायरिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज सो देर इज ऑलमोस्ट वन मिलियन जॉब्स अवेलेबल तो सबसे पहले नंबर पे आती है रजिस्टर्ड नर्स कैनेडा में एजिंग पॉपुलेशन तो है ही बहुत ज्यादा दूसरा कोरोना का भी बर्डन है वहां पे अभी भी वहां पे नर्सेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उन्हें दो टाइप की नर्स की रिक्वायरमेंट है वन इज रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स इन दोनों की बहुत ज्यादा वैकेंसीज है इस पे सो so, इन दोनों जॉब्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इवन नर्स की रिक्वायरमेंट कनेडा के साथ साथ और भी बहुत कंट्रीज में होती है सो सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास वेब डेवलपर्स दे हैव अ वेरी बूमिंग टेक इंडस्ट्रीज उनके पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसके लिए वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऑप्शन दे रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज टू शिफ्ट देयर कंट्रीज एंड वर्क इन देयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देन दे हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कैनेडा के अंदर यहां पे आपका मेन रोल होता है कि जो भी उनका सारा सिस्टम है वो परफेक्टली काम करे दिस पोजिशन रिक्वायर्स अवल ऑफ एजुकेशन सो नेक्स्ट आते हैं ट्रक ड्राइवर्स इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कैनेडा के अंदर सो uh, दैट so की एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाए नेक्स्ट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट वाली जॉब है जिसके अंदर इस टाइम पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज है दैट इज वेल्डर वेल्डर की वहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज है इस टाइम पे uh, जिनके पास वेल्डिंग एक्सपीरियंस है उनके बहुत ज्यादा चांसेज ओपनर जाते हैं कनेडा शिफ्ट होने के वेल्डिंग uh, की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है जिनको वेल्डिंग का एक्सपीरियंस है उनको वेल्डिंग का है तो उनके बहुत ज्यादा चांसेस उनके बहुत ज्यादा चांसेस है कैनेडा इमिग्रेशन प्रोसेस है जो भी उनकी रेगुलेटरी बॉडी है विद इन दी टेरिटरी तो आपको वहां से एक लाइसेंस लेना होता है नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रीशियन तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन के अंदर दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रिक इंजीनियर प्रॉपरली चीजों का कंस्ट्रक्ट करता है टेस्ट करता है और इलेक्ट्रीशियन इंडस्ट्री सो इलेक्ट्रिशियन का काम अलग होता है एक ही सिटी नहीं ऑल ओवर दी कनाडा में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट होता है फार्मासिस्ट so uh, तो यहां पे फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल में भी रिक्वायरमेंट है दूसरा आपकी ड्रग स्टोर में भी रिक्वायरमेंट है जिनको उन सारी चीजों के नॉलेज होती है सो so इसके इसमें भी आपको रजिस्टर करना होगा